सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत आज हम झीलों की नगरी उदयपुर में हैं। उदयपुर में इसलिए हैं क्योंकि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने मौजूदा हालात से उबरने के लिए रणनीति बनाने देश भर के तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इकट्ठा किए हुए हैं। कोशिश है उसकी कुछ ऐसा विचार निकले, कुछ मंथन से ऐसा नुस्खा निकले जिसके तहत कांग्रेस अपने खोए हुए गौरव को हासिल कर पाए। क्या वाकई ऐसा कर पाएगी, इसके संदर्भ में सबके जहन में सवाल है और इस उत्तर को खोजने के लिए हमारे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की दिग्गज नेता किरण चौधरी जी साथ में हैं। किरण चौधरी जी एक बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हैं। चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी, ये तीनों किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो किरण जी हमारे साथ में, किरण जी स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो सीधा सवाल, कांग्रेस का भी इतिहास है, आपके पास में भी उत्कृष्ट विरासत है, बार बार सवाल उठ रहा है इस विरासत को सहेजे कैसे, बचाए कैसे, इस आयोजन से बच जाएगी? ये जो बात जब कहा जाती है कि कैसे बचाएं, ये मुझे समझ नहीं आती। कांग्रेस जो है एक विचारधारा है और ये विचारधारा ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे कोई भी कुछ भी कोशिश करे। और हाँ, भाजपा ये बात ज़रूर कहती है, लेकिन एक विचारधारा को ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। और फिर कांग्रेस ने तो इस देश का जो है पूरा निर्माण किया है, आज यहाँ तक जहाँ आए हैं ये कांग्रेस के ही कारण आए हैं। हमारे नेताओं ने खून का बलिदान दिया है, सारा कुछ जो है यहाँ तक जो है देश जो आया है उसको किस तरह से आप झुटला सकते हैं। ये बात और है कि राजनीतिक तौर पे आज बेशक जो है हम उस संदर्भ में वहाँ पर नहीं हैं जहाँ पर हमारी कभी हम हुआ करते थे, लेकिन ये तो एक दौर होता है कि ये दौर तो आएंगे और जाएंगे। 77 के अंदर भी ऐसा ही दौर आया था, उस समय कांग्रेस बिल्कुल ही नीचे स्तर के ऊपर आ गई थी, लेकिन दोबारा से जब आई इंदिरा जी आई तो इतना भारी बहुमत से आई कि जो है पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो है जो देखता रह गया कि किस तरह से वो वापस आई हैं। तो ये बात कहना मैं समझती हूँ ठीक नहीं होगा। आप 77 का उदाहरण दे कह रही हैं, लेकिन 77 की हार 1980 में एक विराट जीत में तब्दील हो गई थी, लेकिन 2014 से हार का एक ना टूटने वाला सिलसिला है। और आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी आज खुद ही बोली हैं, असाधारण परिस्थितियां हैं, इसलिए हमें असाधारण तरीके खोजने पड़ेंगे। तो असाधारण तरीके क्या होंगे, इसके संदर्भ में सवाल है। क्या आपको लगता है आपके नेता जो छोटी छोटी बातों पर अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते पार्टी हितों को कूड़ेदान में डाल देते हैं, वह सोनिया गांधी के एक भाषण से अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि दे देंगे? हर तरीके के लोग हर पार्टी में होते हैं। महत्वाकांक्षाओं वाले नेता जो हैं खाली कांग्रेस में ही नहीं, भाजपा में भी हैं और अन्य दलों में भी हैं। तो ये भी मैं इस बात को मैं नहीं मानूंगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आज के दिन हमारी पार्टी जो है वो वहाँ पर मतलब वो हम जो हैं सत्ता जो है नहीं पा रहे हैं, उसके जो कारण हैं वो बहुत सारे अन्य कारण हैं और वो कारणों को हम ठीक करेंगे। अब एक पॉलिटिकल दल होने के नाते जो है विरासत जो है इतनी बड़ी है, इतनी तगड़ी है, हर एक गांव-गांव के अंदर है, ना कुछ होते हुए भी है, तब भी इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस जो है इतनी आसान तरीके से कांग्रेस मुक्त नहीं करा जा सकता। और कांग्रेस एक बहुत ही तगड़ा विकल्प बनकर उभरेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं इस बात को पूरी तरह से जानती हूँ और जो है इसमें विश्वास रखती हूँ। जहाँ तक हम कई नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की बात आपने करी, वो हर एक जगह होती है, वो भी संभाले जा सकता है, अपना अपने जगह पर जो है वो बातें आ जाती हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आज के संदर्भ में जो नैरेटिव है पॉलिटिक्स का वो पूरा बदल चुका है, और जो पुरानी जो चीज़ें थी, जो विरासत की बात थी या वो थी, उससे हमारे को थोड़ा सा हटकर और आगे अपने आप को और चीज़ों के अंदर भी ढालना पड़ेगा, जो हम करेंगे और जिसके लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और इसका जो है इसका कोई ना कोई नतीजा अच्छा निकलेगा, और वो नतीजा का जो है वो संकल्प के रूप में हम लेकर हिंदुस्तान की जनता के सामने जाएंगे। अब बार बार इस बात पर जोर दे रही हैं किरण जी कि कांग्रेस की विरासत है, कांग्रेस इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकती है, पर ये विश्व के इतिहास पर दृष्टि डालिए, आप तो बहुत अध्ययनशील हैं, ये तमाम राजा महाराजे भी ऐसे ही सोचा करते थे, कोई नाम लेवा नहीं बचा। मुगल काल का भी अगर दौर था तो कुल मिलाकर एक लाल किले की प्राचीर के अंदर रह गया था 1857 तक। आपसे जानना चाहते हैं कि कांग्रेस इस गलतफहमी का ही शिकार रहेगी, या आज सोनिया गांधी जी ने जो बात कही है उसको आप जैसे तमाम नेता और बाद में गांव-गांव तक
मौजूद कार्यकर्ता गंभीरता से लेंगे कि वाकई चुनौती बड़ी है? पूरी तरह से, जो सोनिया जी ने आज अपने भाषण में बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा है उसको क्यों नहीं गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि अगर सर्वाइव करना है तो गंभीरता से लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई और विकल्प जो है रहेगा नहीं। और जहाँ तक राजे महाराजाओं की बात है, देखिए राजे महाराजाओं की बात और थी, वो दौर और थे, ये हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये पॉलिटिकल पार्टी जो है इस देश के इतिहास के साथ जुड़ी हुई है, तो इसको पार्टी को पूरी तरह से जैसे कहा जाता है और इतनी जल्दी ये हताश लोग हो जाते हैं, मैं समझती हूँ वो बात नहीं है। और ख़ास तौर से आज के दिन जो है जिस तरह का राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति करी जा रही है, जो हालात आज देश के अंदर हो गए हैं, आज जो है कोई भी चर्चा इस बात की नहीं करता कि महंगाई इतनी ज़बरदस्त है, कोई ये चर्चा नहीं करता कि बेरोज़गारी इतनी ज़बरदस्त है, कोई ये चर्चा नहीं करता कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा के ऊपर है, सारा जो है ध्रुवीकरण की राजनीति और जात पात की राजनीति के ऊपर आके अटक गई है। तो ये कहीं ना कहीं तो हमारे को सभी लोगों को सोचना होगा कि हम अपने देश को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारे गांधी जी ने जब हमारे को ये कॉल दी थी यहाँ पे आज़ादी की, उस समय उन्होंने भी जो है अपने उसमें ये उनका जो था अपना वंदे मातरम और ये सारी बातें जो हैं उस समय भी कही जाती थी, तो तब तो कभी ऐसी बात नहीं थी। आज के दिन जो है भाजपा पूरी तरह से इसको एक एक हिंदुत्व का एजेंडा बनाकर इस तरह से पेश करना चाहती है कि जैसे वो उसके ठेकेदार हैं। आज हम भी राम के अनुयायी हैं, हमारा भी जो है आस्था पूरी भगवान के अंदर है, गीता का पाठ आप पूरा हमारे से भी पढ़वा लीजिए, कोई हम किसी से कम थोड़ना है। तो हमारे को किस बात की शर्म है? बिल्कुल शर्म नहीं है, हम हैं हिंदू और हम अपना काम कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो सेक्युलर आइडियल्स जो हमारी पूरी की पूरी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंश्राइंड हैं उनको जो है हम दरकिनारे कर दें, और वो तो देश को खाली तोड़ने के कागार के ऊपर लेकर खड़ा ले जाएगा। मेरा एक सवाल है किरण जी आपसे, कांग्रेस की वर्तमान हालत के लिए आप भाजपा को जिम्मेदार मानती हैं या अपनी कांग्रेस संगठन की खामियों को जिम्मेदार मानती हैं? नहीं, बाहर को जिम्मेदार मानना मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी होगी, हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं और जो हमारी कमियां हैं उनको हम पूरी करेंगे। आप अपनी कमियों को पूरा करने की बात कर रही हैं, आपसे अपेक्षा की जा रही है, आप जैसे नेताओं से अपेक्षा की जा रही है कि आप जनता को समझाएंगे, आपसे अपना नेता तो समझाया नहीं जाता और आपके नेता से आप लोगों को नहीं समझाया जाता और आप बाहर ठीक करने की बात करते हैं। 3 साल हो गए, राहुल गांधी जी ने कहा गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष ढूंढिए, आप तैयार नहीं होते। आप लगे हैं राहुल गांधी से कहने के लिए आप अध्यक्ष पद संभालिए, वो तैयार नहीं होते। ना नेता को आप राजी कर पाते ना नेता आपको राजी कर पाता है, उसके बाद आपको शिकायत है भाजपा से, आपको शिकायत है जनता से। मल्लिकार्जुन खड़गे आज कार्यक्रम में बोल रहे थे जनता हमारे त्याग और तपस्या के संदर्भ में न्याय नहीं कर रही है, क्या कहती है? आप जाति वाली बात कर रहे हैं हिमांशु जी। देखिए जहाँ तक राहुल जी का सवाल है, आज जो है हमारी अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी जी हैं जी, और क्या कमी है हमारी अध्यक्षा में आप ये बताइए। उन्होंने जो है ऐसे दौर से कांग्रेस पार्टी को पायलट करा है और सत्ता के अंदर रखा है, तो इसमें तो कोई दोराई की बात मैं नहीं। बहुत माफी चाहता हूँ आपको बीच में रोकने के लिए। नहीं, हाँ। कल रणदीप सुरजेवाला और अशोक गहलोत जी बैठे हुए थे पत्रकार वार्ता में, उसमें भी सवाल किया गया तो बाकायदा रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश के तमाम कार्यकर्ता एक राय होकर चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद संभालें, ये बात हम बार बार कहें और आप सोनिया गांधी जी के संदर्भ में दलील दे रहे हैं। आज की बात मैं कह रही हूँ, अब संगठन संगठनात्मक जो चुनाव हैं हमारे होने जा रहे हैं, बाय अक्टूबर तक जो है हमारा चुनाव होगा, उसके अंदर जो है उभर के जो भी नेता आगे आएगा वो आएंगे। और राहुल जी की जहाँ तक बात है, देखिए ये एकमात्र नेता हैं जो मैंने इनको बहुत करीबी से देखा है, जो बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी उससे निष्ठा के साथ जो है लड़ाई लड़ते हैं, किसी तरह का इनको वो नहीं है, इनके ऊपर दबाव नहीं है, और जिस तरह से बेखौफ होके जनता की आवाज़ अकेले उठाते हैं, इसमें आप अपने आप समझ जाइए कि उसके अंदर कितना दम है। और मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी जो है और मजबूती से उभरेगी राहुल गांधी ने जिस दिन जो है पूरी तरह से कांग्रेस की कमान संभाली। पर एक बात बताइए, खामी किसमें है? राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता में कमी है कि वह अपनी बात आप लोगों से नहीं मनवा पा रहे, या आप लोगों के समर्पण में कमी है कि आपका नेता आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है? बात मानने की बात नहीं है, ये हर एक चीज़ की प्रक्रिया होती है। अब हमारे संगठन चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, अब जैसे मैं PRO हूँ,
मुंबई की, तो वहाँ पे सारा हम प्रक्रिया कर रहे हैं। इसी तरह से हरियाणा, इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारी जगह हो रहा है। तो ये संगठनात्मक चुनाव जो हैं, जो पूरे होंगे, तो जो है विधि पूर्वक जो है चुनाव, ये AICC के जो मेंबर्स बनकर आएंगे वो जो है हमारे उसको चुनेंगे, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को चुनेंगे। सीधा सवाल किरण जी, क्या आपको अपने आप पे भरोसा है? क्या आपको अपने जैसे अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं पे भरोसा है कि आखिरकार आप लोग राहुल जी को मना ही लेंगे? सीधा पूरा पूरी तरह से भरोसा है, मनाने की बात नहीं है। वो ज़रूर आएंगे और अपनी जिम्मेदारी जो है कांग्रेस की जो है, और जो पुरानी बापदाताओं की जो प्रथा जो चलती आ रही है उसको जो है उनको आगे बढ़ाएंगे, ये भी मैं आपको कह देती हूँ। और ये जो सोचने वाली बातें हैं कि जो है कि आज के दिन BJP जो है बेशक जो है अपने उस पर है ऊपर, मतलब इट्स ऑन द सिंग ऑन द हाई, शिखर पर है। हाँ, शिखर पर है, लेकिन हमेशा आपने खुद ही ये बात कही और वही बात आप ही की मैं वापस लौटाती हूँ कि हर समय ये पावर एक ऐसी चीज़ है जो आती है और जाती है। जनता के सामने ये एक माध्यम है सेवा करने का, और ये जहाँ तक राहुल जी का सवाल है वो एक सेवक के रूप में जो है काम करते हैं और बिल्कुल निष्ठावान और पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, और ये बात जनता के सामने एक दिन आएगी। तो किरण जी को बड़ी उम्मीद है कि आखिरकार राहुल गांधी को वह लोग मना ही लेंगे। पर किरण जी से हम भले ही बात राजस्थान में कर रहे हैं, उदयपुर में कर रहे हैं, पर हरियाणा के संदर्भ में बात नहीं करेंगे तो ये बातचीत अधूरी रह जाएगी। जो हालत देश के संदर्भ में कांग्रेस की है, हरियाणा के संदर्भ में उतनी खराब नहीं थी, पर खराब तो है ही। किरण जी, लगातार दो विधानसभा चुनाव हारने का दाग तो आप लोगों के ऊपर है ही। अभी बदलाव किए हैं आप, जो बात यहाँ पर हो रही है बदलाव की, आप इससे पहले ही बदलाव कर लिए, क्या उम्मीद करें उस बदलाव से? कुछ नेताओं के अहम संतुष्ट हो गए या जनता के स्तर पर, कार्यकर्ता के स्तर पर भी कुछ संतुष्टि आएगी? यहाँ तक हरियाणा का सवाल है, आज के दिन हरियाणा के अंदर जो हालात हो रहे हैं, जो प्रोमिसज BJP लेकर आई थी, आज एक भी प्रॉमिस जो है उसको पूरा BJP ने नहीं करा है, भाजपा ने। और उसके साथ साथ जो हालात, किसान आंदोलन हो, किसानों का जो MSP का की बात हो, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, हमारे जो है पूरी तरह से कोविड के टाइम पर सारा कुछ जो है व्यापार जो है पूरी तरह से पिट गया है, गरीब आदमी तो बिल्कुल ही नष्ट हो गया है। और जो व्यवस्था आज जो भाजपा सरकार जो कर रही है वो अव्यवस्था की तरह है, मतलब गवर्नेंस तो कहीं नज़र आती ही नहीं है, खाली जुमले देते हैं, जुमलों के ऊपर जो है सरकार चल रही है, और वो भी लंगड़ी लूली सरकार, क्योंकि वो इनके साथ चौटाला साहब के साथ जो है सरकार बनाई हुई है इन्होंने। तो ये सरकार के ऐसे हालात जो हैं आने वाले समय के अंदर, जनता जो है दुखी हो गई है। अब 1,000 रुपये का सिलेंडर हो गया, 100 रुपये से ऊपर जो है आपका पेट्रोल डीजल हो गया है, कहाँ जाएंगे? डाका डाल रहे हैं ये तो सबकी जेब के ऊपर। अब जनता जो है कितना दिन और वो ये इसको संभालेगी? पर सवाल तो कांग्रेस के संदर्भ में था, और किरण जी ने बात जो है भाजपा सरकार पर कर दी, तो सवाल इस बात का है किरण जी कि भाजपा की विकल्पता के चलते जनता आपके पास आएगी या आपके पास चली जाएगी, जो एक और आप अस्तित्व में आ रही है जिसका नाम आम आदमी पार्टी है? कई बार कई चीज़ें जो होती है ना, नई चीज़ें लोगों को जो है एक दम उछाल आता है, लेकिन लोग भी समझदार हैं और लोग भी देखेंगे। ऐसी बात नहीं है कि जो है कि एकदम कोई आ गया है तो सारा उसकी उसके तरफ चला जाए, ये बात और है कि हमारे को सबको इकट्ठा मिलकर काम करना पड़ेगा। मिलकर अगर हमने काम करा, निश्चित तौर से हम दोबारा से सरकार जो है हरियाणा के अंदर बनाएंगे। सरकार माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आप लोग बनाने जा रहे हैं या कांग्रेस बनाने जा रहे हैं? नहीं, नेतृत्व की जब आप बात करें, नेतृत्व की का जो है फैसला वो हमारी हाई कमांड करती है, और अगर कोई कह रहा है कि किसी के नेतृत्व में हम बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत। तो कुल मिलाकर सामूहिक नेतृत्व की बात जो है किरण चौधरी जी कह रही हैं, पर आम आदमी पार्टी पर एक आखिरी सवाल इस बातचीत में लेना चाहूँगा। आपने कहा कि किसी को ऐसी थोड़ी सौंप देंगे, इतनी जल्दी थोड़ी सौंप देंगे, पर दिल्ली से शुरू हुआ सफ़र पंजाब तक पहुँच गया, और पहुंचा ही नहीं ऐतिहासिक जीत तक पहुंच गया। तो दिल्ली से पंजाब के रास्ते के बीच में हरियाणा आता है, किरण जी आपको डराता नहीं है ये सफ़र? नहीं, मुझे इसलिए नहीं डराता क्योंकि मुझे ये मालूम है कि पंजाब के अंदर परिस्थितियां कुछ और थी, और वो परिस्थितियां जो हैं मेरे ख्याल में हमने खुद ही अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी खुद ही मारी, उसके कारण जो है वो परिस्थितियाँ हुई, नहीं तो ये हाल नहीं होने थे। और ये
जो आम आदमी पार्टी दोबारा वहाँ पे आई है, अब सरकार बनाई है, ये दूसरी बार जो है ये हुआ है। और जब कांग्रेस के अंदर ये हालात ऐसे हो गए कि आपने देख ही लिया जो खिचड़ी पक रही थी, उसके कारण ये बात हुई है। तो हरियाणा में मैं समझती हूँ ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए, और अगर ऐसी बात हरियाणा में कांग्रेस की हुई तो निश्चित तौर पर फिर वो ज़रूर आएंगे। किरण जी की खासियत यह है कि वो बात जो भी कहती है साफ कहती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंजाब में हालात हमने ऐसे बनाए थे जिसके चलते आपको ऐसी जगह मिली है, अगर हरियाणा में भी हम ऐसे हालात बना देंगे तो भले ही जगह मिल जाए, अन्यथा कांग्रेस की स्थिति हरियाणा के संदर्भ में ऐसी नहीं रहने वाली है। सामूहिक नेतृत्व अगर रहेगा तो हरियाणा में भी वो कामयाब होंगे। लेकिन किरण जी की बातचीत का कुल मर्म यह है कि ये शिविर कोई ना कोई संदेश ऐसा दे पाने में देश के सदर में कामयाब रहेगा जो कांग्रेस के भविष्य को लेकर उम्मीद जगा सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द किसी नई शख्सियत से। मुझे दीजिए याद सदर प्रणाम।